कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को एज वी यूजली डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, सेकंड हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे टू फ्राइडे रहने वाला है उस पर्टिकुलर सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। एंड रुको, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव मार्केट में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी एक्यूरेसी 90-95% रहती है, जो कि ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। तो मेक श्योर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलो तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो तो गाइज यहाँ पर हम निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एज पर द डाउ थ्योरी। जब भी मार्केट के अंदर लोअर लोस की सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर सीरीज को बेयर रन बोलता है, मींस की नेगेटिव ट्रेंड बोलता है। जब भी मार्केट के अंदर हायर हाइज की सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड बोलते हैं, मींस की पॉजिटिव ट्रेंड बोलता है। तो जैसे कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, मार्केट के अंदर पहले लोअर लोस की सीरीज लग रही थी, तो इट्स मीन की जो मार्केट के अंदर पहले जो ट्रेंड था वो क्या था, बेयर ट्रेंड था। लेकिन मार्केट के अंदर वो पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, क्योंकि मार्केट के अंदर अब हायर हाइज की सीरीज लग रही है। जो पहले बियर रन चलता आ रहा था, मींस नेगेटिव ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, वो कन्वर्ट हो चुका है पॉजिटिव ट्रेंड में। तो फर्स्ट हमने डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा कि जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड है। चलो तो गाइस सेकंड हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिगार्ड, मींस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, जिन पे आपको खास तरीके से फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मुझे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है यहाँ पर, जो कि 17,177 का है, मींस कि आज पर्टिकुलर कैंडल का हाई हमने एज अ रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर द डाउ थ्योरी। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा वो 17,177 होने वाला है, मीन्स कि ये पर्टिकुलर लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है इसी पर्टिकुलर तेजी को कंटिन्यू रखने के लिए। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है जो कि 17,442 का है, एंड थर्ड रेजिस्टेंस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज ये जो पर्टिकुलर गैप है, इस गैप का लो हमने यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, जो कि 17,782 होने वाला है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये वाले जो रेजिस्टेंस है काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। अगर गाइस हम बात करें सपोर्ट की, तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर पर्टिकुलर डे का लो होगा जो कि 17,000 अराउंड होने वाला है, एंड सेकंड सपोर्ट हमारा ये जो पर्टिकुलर गैप है, इस पर्टिकुलर गैप का लो हम लेंगे यहाँ पर, जो कि 16,737 होने वाला है, एंड थर्ड सपोर्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द 200 EMA, जो कि 16,530 का होने वाला है। बेसिकली गाइस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे, ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो गाइस अब हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। सपोज कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी दैट इज द सिग्नल कैंडल, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देते दैट इज द कन्फर्मेशन कैंडल, तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है, और जो सिंगल कैंडल होगी उससे 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस ले लेना है, और जो आपका टारगेट होगा आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए अपना टारगेट लगा के चल सकते हो, जो कि 17,442 का होने वाला है। अगर हम बात करें सिनेरियो नंबर टू की, सपोज कि मार्केट मंडे फ्लैट ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पर आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्वियसली मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर डोजी टाइप में कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा, तो आपको इस पर्टिकुलर सेशन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है, एंड देन आपको जो इस पर्टिकुलर रेंज का लो है उसको भी मार्क कर लेना है। वेट करना है आपको ब्रेकआउट होने का, उसकी यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो दैट इज़ ओके, इस टाइम पर यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया तो
तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पर अप है, तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो आप नहीं जानते कि कब जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फेक सिग्नल भी आपको मिल सकता है। तो इस टाइम पर ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड नहीं लेना है। बात करते हैं सिनेरियो नंबर थर्ड की। सपोज कि मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे आके डोजी टाइम में कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पर आपको इस पर्टिकुलर लेवल को ऑब्जर्व करना है और इस पर्टिकुलर रेंज का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है एज अ रेजिस्टेंस। जैसे ही ये ब्रेक हो, जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी दैट इज द सिग्नल कैंडल, और उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है दैट इज द कन्फर्मेशन कैंडल, देन यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। देन जो सिग्नल कैंडल है उससे 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ आपको एसएल अपना लेना है, एंड ऊपर की तरफ टारगेट आपका ये वाला हो सकता है जो कि पर्टिकुलर कैंडल का हाई है जो कि 70,177 है। सो इस तरीके से गाइस आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे टू फ्राइडे होने वाला है। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव द बिग थम्स अप, डू लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।